यार बेबी, हम लोग ऐसे कब तक छुप छुप के मिलते रहेंगे? तुम उसको तलाक क्यों नहीं देती हो? सॉरी बेबी, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग को, बट मैं उसे तलाक दे ही दूंगी। मैं रहना ही कहाँ चाहती हूँ उसके साथ। वैसे भी कौन रहना चाहता है उसके साथ, वो है ही ऐसा। वही तो, उसके साथ तो मैं भी तुम्हें नहीं देख सकता ऐसे। लेकिन तुम्हें पता है पड़ोसी देखते हैं कि ये कौन है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कोई चोर हूँ। हाँ मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या फेस कर रहे हो। सॉरी, बहुत जल्द मैं उसको तलाक दे दूंगी, फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। हाँ, जल्दी दो यार, अब तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। हाँ। वैसे तुम्हारा पति कितने टाइम के लिए गया? अरे बोल के गया था कि एक हफ्ते तक जा रहा हूँ। एक हफ्ते के लिए गया, अच्छा ही है। तो मतलब अब तो हमारी मौज ही मौज है। तो मतलब तो मैं रुक सकता हूँ ना यहाँ पे? हाँ हाँ रुक सकती हो। डेली मजे करेंगे। आई लव यू मेरी जान। आई लव यू टू। ये कौन है, कौन है ये? ये तो मेरे पति की आवाज है। क्या, पति? हाँ। अबे तू पागल पागल है क्या? तूने अभी तो बोला कि वो एक हफ्ते बाद आएगा, ये कहाँ से आ गया? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा ये कैसे आ गया। अबे मैं क्या करूँ। अरे हाँ, मुझे लगता है किसी पड़ोसी ने खबर दी होगी, उसको पता चल गया हमारे बारे में, अब तो हम गए यार। अरे जो भी हो, पर अब क्या करेंगे? तुम्हें ना सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, अरे मैं भी तो मारी जाऊंगी। हाँ ठीक है, लेकिन अब क्या करें? हम दोनों फंसेंगे। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। रश्मि, सुनो, तुम ना तुम वहाँ छुप जाओ। कहाँ छुप जाओ? कहाँ छुपो? अरे जल्दी सोच। सुनो, तुम ना तुम एक काम करो, तुम बाथरूम में छुप जाओ। नहीं, अरे तुम छुप जाओ, तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं देख लूंगी। छुप जाओ तुम। रश्मि, अरे छुपो ना तुम। ये भी तुझ पे ही छोड़ा था मैंने, पकड़े गए ना। अरे छुपो। कहाँ रह गई थी यार तुम? आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं, खुशी बहुत हुई, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, आप एक्चुअली वो एक हफ्ते का बोल के गए थे ना, तो इसलिए मैंने पूछा। कहाँ लगी हुई थी तुम, इतनी देर से दरवाजे नहीं खोल रही थी? अरे कुछ नहीं, वो मैं सो गई थी, मेरी नींद लग गई थी ना इसीलिए। अरे ये कौन है? ये मेरी दोस्त है, कॉलेज की फ्रेंड, पिंकी। पिंकी? मैं तो तुम्हारे सारे कॉलेज के दोस्तों को जानता हूँ, ये पिंकी कौन आ गई? अरे आपसे मिली नहीं थी ना, इसलिए आपको याद नहीं अच्छे से। तो मेरी दोस्त है कॉलेज की। आपको याद है हमारी शादी में भी आई थी? नहीं, मैं शायद भूल गया हूँ। अच्छा क्या हुआ ऐसे, ये सो क्यों रही है? वो वही गर्ल्स प्रॉब्लम, आपको तो पता ही है, पीरियड्स वाली। तो हाँ, इसीलिए मैंने सोचा रेस्ट कर लेगी तो सही रहेगा। अच्छा हाँ। मैं इसका हालचाल पूछ लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, मतलब अब रेस्ट कर रही है, पेन हो रहा है उसको, सो रही है, तो इसीलिए आप डिस्टर्ब मत करिए प्लीज। अच्छा हाँ। तो यहाँ से तो पूछ सकता हूँ ना? अच्छा ठीक है। पिंकी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। अच्छा तो मैं भी यहीं पर सो जाता हूँ। यहाँ पे कैसे, मतलब यहाँ? नहीं नहीं, आप नहीं सो सकते क्योंकि। अरे तो मैं अकेले सोने की बात थोड़ी कर रहा हूँ, तुम बीच में सो जाना, मैं साइड में सो जाऊंगा। अरे नहीं, जरा सोचिए ना आप, अगर वो सो के उठेगी और आपको सेम बेड पे देखेगी तो अनकंफर्टेबल फील करेगी, तो आप समझ सकते हैं। इसलिए प्लीज आप ना आज सोफे पे सो जाइए मेरे कहने से। सोफे पे? हाँ चलो ठीक है, मैं सोफे पे सो जाता हूँ। तुम इसका ख्याल रखना और मैं फ्रेश हो जाता हूँ तब तक, और जब वो जाएगी ना तो उससे बोलना मुझसे मिल के जाएगी। हाँ हाँ ठीक है। अरे उठो, सोते रहोगे क्या? क्या हुआ, क्या हुआ, कहाँ गया वो? अरे वो बाहर ही है। अरे यार कहाँ फंसा गया तूने मुझे, पर एक मिनट, ये पिंकी क्या है, हैं? मैं तेरे को पिंकी दिखता हूँ? अरे जो दिमाग में आया बस बोल दिया मैंने, अब बचा लिया ना तुमको भी और खुद को भी। खाक बचा लिया, बाल बाल बचे हैं वरना आप तो फंस ही जाते, अब क्या करूं? अरे वो बाहर है, अब करो क्या, जाओगी ना तुम यहाँ से? अब रुक थोड़ी ना सकते हो, वो आ गया। ये तो किसी लड़के की आवाज है। अरे यार वो राक्षस तो बाहर ही है ना, अगर मैं जाऊंगा तो मुझे देख लेगा वो। हाँ यार वो तो बाहर, नहीं नहीं वो बाहर नहीं है, वो तो बाथरूम में है, और उसको बाथरूम में कम से कम 10-15 मिनट तो लगेंगे ही ना, तो तुम
यही सही मौका है, तुम इसी वक्त निकल सकते हो। और अभी निकलोगे तभी तो हम दोबारा मिलेंगे ना। अरे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, अभी जाओगे तभी तो हम दोबारा मिलेंगे ना। तो अरे तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, जाओ। अरे नहीं पहले जाओ, चलो चलो चलो। अरे सुनो, क्या मेरा फोन तो अंदर ही रह गया। तुम भी ना सारे मरवाने वाले ही काम करते हो। अब क्या करूं? तुम रुको यहीं पे, मैं लेके आती हूँ। जल्दी। क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे जल्दी लाओ। ये लो, पकड़ो। अच्छा सही टाइम पे याद आ गया। अरे चलो। गो। कहाँ ले जा रही थी इसे छुपा कर? क्यों, शौक लगा मुझे देख के? तुम्हें क्या लगा मैं पागल हूँ, बेवकूफ हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता? तुम इतनी गंदी हरकतें करती हो मेरे पीठ पीछे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे मैं तो बाहर कमाने जाता था ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो करता था, और तुम मेरे पीठ पीछे मुझे इतना बड़ा धोखा दे रही हो। और हाँ, ये कौन है, तुम्हारी दोस्त पिंकी? कमाल है, आजकल लड़कों के नाम भी पिंकी होने लगे हैं। देखो तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरा दोस्त है। सब कुछ सामने होते हुए भी तुम अब भी मुझसे झूठ बोल रही हो? अरे थोड़ी तो शर्म करो। और माफी, माफी तो अब मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता। अरे मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ तो रह कर दिया तुम्हें, उसके बाद भी तुम्हें मेरे पीठ पीछे ये सब करने की जरूरत पड़ गई, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहक गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। एक मौका, अरे तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें अभी एक मौका दूंगा, तुम्हें माफ कर दूंगा, वो भी इतनी घिनौनी हरकत के बाद? तुम बहुत प्यार करती हो ना इससे, तो ठीक है रहो इसके साथ, जाओ। अरे नहीं नहीं, मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मैं तो बस वैसे ही आ गया था, मेरे को नहीं रहना इसके साथ। ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए अपने पति को धोखा दिया, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? देखो वो तुम दोनों के ना बीच का मामला है, और वैसे भी तूने उसके साथ सात फेरे लिए, जो औरत अपने पति की नहीं हो सकती वो कल को मेरी क्या होगी, तू तो कल को मेरे को भी धोखा दे सकती है ना। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। देख लिया ना तुमने, तुम इसके लिए मुझे धोखा दे रही थी जो तुम्हें दो पल में छोड़ के चाह रहा है, तुम तो यही डिजर्व करती हो। और तू क्या हुआ, अब लेके क्यों नहीं जाता इसे अपने साथ, बहुत आशिकी करनी थी ना तुम्हें, करो। देखो भाई साहब ये आप दोनों के आपस का मामला है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप संभालो अपनी बीवी को। वैसे सही किया उसने, तुम जैसी औरत तो किसी के साथ रहना डिजर्व नहीं करती, जो औरत अपने पति को ऐसे छोड़ सकती है उसके साथ कोई और क्या ही रहेगा। अब निकलो मेरे घर से, इससे पहले मैं तुम्हें और जलील करूं। प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे मैं तुम्हें एक मौका ही दे रहा हूँ, और शुक्र मानो अब तक मेरा हाथ नहीं उठा है, मेरे घर वालों ने ऐसे संस्कार नहीं दिया मुझे, इसलिए चुपचाप शांति से यहाँ से निकल जाओ इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर दूं। और हाँ सुनो, डिवोर्स पेपर मैं भिजवा दूंगा, आइंदा से कभी अपनी शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है, अब निकलो यहाँ से।